Hello everyone, so today we are going to start with exempted establishment. We are already covered with a till appropriate government in the chapter of Payment of Bonus Act 1965. तो हमने कौन कौन से establishments आती हैं वो देखी थी last class में. Establishment को में दो तरह को divide किया गया था, private sector और public sector. अब देखते हैं कि कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट हैं जो इस पर्टिकुलर एक्ट से एग्जेम्प्टेड हैं, जिसके ऊपर बोनस देना ज़रूरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है या उनको नहीं देना पड़ेगा. तो उसमें हमारा पहला है LIC. LIC की अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस का उसका पूरा प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि एक स्टैचुरी बॉडी है जो किसी एक्ट से बनी है और इसका मोटिव ही LIC लाइफ इंश्योरेंस देना लोगों को. इसका मोटिव किसी भी तरीके से प्रॉफिट कमाना नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एस्टैब्लिशमेंट का. तो जो भी LIC के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बोनस नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका प्रॉफिट अर्निंग है ही नहीं. उसके बाद आता है सीमैन होते हैं जो शिपिंग के अंदर काम करते हैं, तो उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की डेफिनेशन के अंदर जो भी कवर होते हैं उसको इसमें एग्जेम्प्ट किया हुआ है. उसके बाद डॉक वर्कर्स, सीमैन तो होते हैं अब जो जो शिप पे जा रहे हैं. अब डॉक क्या होता है कि जो वहाँ का जैसे ट्रेन है उसके साथ में वो होता है ना प्लेटफॉर्म, ऐसी उसी तरीके का काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ शिप्स एंड सर्विसेज के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको डॉक कहते हैं. वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं सामान इधर से उधर पहुँचाने का, तो वो भी इसके अंदर कवर अप नहीं होते हैं. उसके बाद तीन पॉइंट हमने देख लिए. हमारा फोर्थ पॉइंट है जो एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटीज़ पे काम करते हैं उनको भी बोनस नहीं दिया जाता. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काइंड ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह तो जो होते हैं तो ये एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते, तो इनको बोनस भी नहीं दिया जाता. उसके बाद आते हैं आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक तरीके से ह्यूमनली इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है जिसमें डॉक्टर नर्स वगैरह आते हैं. नाम से पता चल रहा है रेड क्रॉस, तो एक तरीके का काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है. ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होता इसलिए इसमें बोनस अप्लीकेबल नहीं है. किसी भी तरह की यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी हम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हम टीचर को एम्प्लॉय नहीं मानते, उसको कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज एन एम्प्लॉय, जैसे उसको ESI दिया जाता है लेकिन उसको एम्प्लॉय नहीं माना जाता क्योंकि हम मानते हैं कि जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है. इनका सोशल वर्क पहला मोटिव होता है. उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट काइंड ऑफ हॉस्पिटल, कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स, सोशल इंस्टीट्यूट, अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट हैं तो वो भी इसके अंदर कवर अप नहीं होते हैं. बिल्डिंग ऑपरेशन, अब बिल्डिंग ऑपरेशन में मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी से काम करवा रहा है तो जो परमानेंट होंगे उनको तो मिलेगा, लेकिन वो जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ मान लीजिए कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए आए उस साइट पर काम करने के लिए और उनका जैसे 3 साल का प्रोजेक्ट है तो उन्होंने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया या 1 वीक काम किया, और ऐसा नहीं कि पूरी साइट पे काम किए, एक छोटे से एरिए पे ही काम किया, तो वो बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे. उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं RBI में वो भी हमारे बोनस के डेफिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है. उसके बाद आता है जितने भी आपके फाइनेंशियल रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के अंदर आती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर रेफरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट,
अगर कोई इसमें से बच गया है जो इसमें कवर अप नहीं हुआ है, और गवर्नमेंट को आगे ऐसा लगता है कि उसको कवर अप होना चाहिए था, तो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज हैं और थ्रू शिपिंग के द्वारा वो जा रहा है एक एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी इसकी डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते। बेसिकली इन द नेक्स्ट पैरा हमें ये बताया गया है कि जितनी भी ये हमें पढ़ी हैं ये एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाई गई हैं। इनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जाम्स में आपको इसमें से यू हैव टू लर्न ऑल दीज पॉइंट। इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, 3-4 बारी पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एग्जाम्स में इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसको बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 7 बताता है अवार्ड। अवार्ड का यहाँ क्या मतलब है? अवार्ड यहाँ पर मतलब है कि पनिशमेंट। तो जो पनिशमेंट कब दी जाएगी? जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाए, जब लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो इंटरिम या फाइनल दी जाती है, या तो छोटे स्टेज पे या बिल्कुल ही फाइनली दी जाती है। कौन देता है? हमारे 3-4 हमारे कोर्ट हैं, लेबर कोर्ट देता है या तो, ठीक है, क्योंकि ये लेबर एक्ट से रिलेटेड सारे एक्ट्स पढ़ रहे हैं हम, लेबर कोर्ट देता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल दे सकता है, या हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल दे सकता है। किन किन को दे सकता है? जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर जो भी एक्ट फॉल करते हैं उनको ये अपना जजमेंट सुना सकते हैं। तो ये 3 तरीके कोर्ट हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद हमारी डेफिनेशन दी हुई है बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनी किस किस को माना गया है इस एक्ट के अंदर? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्टली, ठीक है, जो भी बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अंदर फॉल करते हैं उनको तो बैंक माना गया है। और अदर एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर उसकी कोई सब्सिडरी है तो, सब्सिडरी मान लो कि उसने कोई खरीदी हुई है, 51% शेयर किसी भी कंपनी का खरीदा हुआ है, तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। और उसका ओवरऑल कंट्रोल इस पर्टिकुलर कंपनी के, इस पर्टिकुलर बैंक के पास है, तो ये बैंकिंग, वो अदर कंपनी अगर वो बैंकिंग नहीं है तो वो भी बैंकिंग कंपनी के अंदर ही मानी जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर सब्सिडरीज। अगर कोई नया कॉरस्पॉन्डिंग बैंक है और वो फॉल करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1970 के अंदर, न्यू बैंक अगर वो फॉल करता है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980 के अंदर, कॉरपोरेटिव बैंक अगर वो फॉल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑन द बिहाफ ऑफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूट को स्पेसिफाई किया हुआ है तो वो भी बैंकिंग कंपनीज के अंदर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन, किसको माना जाए कि एम्प्लॉय है, उसको सारे के सारे बेनिफिट दिया जाए, जिसको किसको बोनस दिया जाए। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 क्लॉज 13 बताता है कि एम्प्लॉयड ऑन अ सैलरी, अगर कोई पर्सन काम करता है सैलरी के ऊपर, तो किसको बोनस दिया जाएगा? जिसकी सैलरी 21,000 से ऊपर ना हो, मतलब मैक्सिमम लिमिट इज 21,000। क्योंकि अगर इससे ऊपर वालों को और भी कई तरह के फायदे हम देते हैं, उनकी जो बेसिक सैलरी है वही इतनी हाई होती है, जैसे प्रोफेशनल्स है CA CMA CS, तो इनको बोनस नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत ऑड लगता है कि आप इनको बोनस दोगे। इनको और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते रहते हैं टाइमली। लेकिन जो छोटे वर्कर्स हैं,
जो मे बी अनएजुकेटेड हैं आपकी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो उनके लिए उनको तो अब इतना जल्दी जल्दी प्रमोट नहीं कर सकते, तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेट की हुई है। इस सेट करने का मतलब ही यही था कि अगर 21,000 मैक्सिमम लिमिट, किसी मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम भी बताई हुई है इसमें, लेकिन मैक्सिमम लिमिट अगर किसी एम्प्लॉय की 21,000 है, अब इसमें लिखा हुआ है पर मेंसम मतलब पर मंथ, ये लॉ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेंसम लिखा है, तो यू हैव टू राइट इन द एग्ज़ाम 21,000 पर मेंसम, ठीक है। इन द इंडस्ट्री वो काम करते हो, या तो स्किल्ड काम करते हो या अनस्किल्ड काम करते हो, या तो मैनुअल वर्क करते हो या फिजिकल वर्क करते हो, या तो सुपरवाइजरी करते हो, ठीक है। अब जैसे लोअर लेवल है, उसके ऊपर भी तो कोई सुपरवाइजर होता ही है उन एम्प्लॉयज़ का, तो उसकी सैलरी देखी जाएगी कितनी है, तब उसको दिया जाएगा। या तो मैनेजियल काम करते हो या एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हो। मैनेजियल मतलब कि सुपरवाइजर है, तो किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना मैनेजियल मतलब, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, तो वो सोचेगा और वो करेगा, इसमें इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद या तो कोई टेक्निकल काम कर रहा है या कोई क्लरिकल वर्क कर रहा है, या तो कोई पर्टिकुलर टेक्नीशियन वाला काम कर रहा है जिसको उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, या कोई भी छोटा मोटा काम कर रहा है जैसे पैकेजिंग कर रहा है, तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हायर किया हो या रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, या तो एक्सप्रेस्ड हो या एम्प्लॉयड हो। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड से यहाँ क्या मतलब है कि एक्सप्रेस या तो जब आपने उसको जब नौकरी पे रखा तो उसको बताया कि हाँ भाई आपकी इनकम 15,000 रहेगी, तो ये हो गया एक्सप्रेस। और एम्प्लॉयड मतलब कि आपने उसको जॉब पे रख लिया, उसको सैलरी नहीं बताई, क्योंकि जो साइलेंट अमाउंट चलता आ रहा है कि इस पूरी इंडस्ट्री में कि हाँ इस पोजीशन पर आपको 20,000 मिलते हैं या 5,000 मिलते हैं, तो उस एम्प्लॉय को भी 5,000 ही मिलेंगे। तो एम्प्लॉयड, जब उसने नौकरी ज्वाइन की, जब काम करना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया, तो उसको बताया नहीं गया कि आपकी ये सैलरी है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से उसको साइलेंटली वो प्राइस दे दिया जाएगा। अब मैक्सिमम देखी थी हमने 21,000, कब से स्टार्ट करें, कब से मान लिया जाए कि उसको बोनस, मिनिमम लिमिट मतलब कहने का मतलब है हमारी 7,000 पर मंथ, ये 7,000 से ऊपर एक्सीड हो गई तो हम मान लेंगे 7,000, या 7,000 से ऊपर होने लग गई मिनिमम लिमिट, अगर 7,000 है तो उसका बोनस जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, उससे बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इससे छोटे अगर मान लो कि 1,000 1,000 में कोई काम कर रहा है, 1,000 पर मंथ उसकी सैलरी है, तो क्या उसको आप 10 रुपये का बोनस दोगे? तो ये इसलिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दिया, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। जो मैक्सिमम लिमिट है ये पहले, अभी इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, पहले ये 10,000 थी, 10,000 से बढ़कर ये 21,000 हो गई है, और जो हमारा 7,000 वाला अमाउंट है मिनिमम लिमिट, ये पहले 3,000 था, ये बढ़कर 7,000 हो गया है। ये पर मंथ की बात हो रही है यहाँ। और जो अप्रेंटिस है वो हम यूजुअली देखते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता, तो उसको बोनस भी नहीं दिया जाएगा। अब कॉपर एलेन एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वॉकमैन के अंदर ये जजमेंट आई, ये कोर्ट ने कहा कि जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ आपके इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जो कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं, वो वैसे तो बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट, जो टोटल नंबर ऑफ डेज काम किया है, उतना पैसा उनको उनकी वेजेस के हिसाब से एंटाइटल्ड है वो लेने के लिए। अगर किसी टेम्पररी वर्कर है और उसने उसकी 10,000 सैलरी थी, तो हमारे इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम 7,000 होनी चाहिए, उसकी 10,000 थी, तो उसको एंटाइटल्ड है वो बोनस लेने के लिए। आप उसको कुछ पोर्शन दे सकते हो बोनस का, कुछ काट के दे सकते हो, क्योंकि उसने नंबर ऑफ डेज ही काम किया है, परमानेंट काम नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी आपकी ऑटोमोबाइल कर्मचारी
वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें भी ये जजमेंट आई कि जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आपके स्वीपर्स वगैरह हैं वो भी एंटाइटल्ड हैं बोनस लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है गनोन इंडिया लिमिटेड वर्सेस निरंजन दास, इसमें ये जजमेंट आई कि जो डिसमिस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपने डिसमिस कर दिया है, जिनको निकाल दिया गया है कंपनी के अंदर से, तो जो उनका जितना प्रॉफिट बनता था उससे पहले, अगर 2013 में उनका कोई प्रॉफिट मान लो पेंडिंग था, 2013 में पेंडिंग था, आपने बोनस देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं, ड्यूड है पर आपने पे नहीं किया उसको, ठीक है। 2014 में उसने कोई लड़ाई कर ली, कोई वॉलेशन कर लिया, कोई फ्रॉड कर दिया, और 2015 में भी उसके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, तो इसमें उसको किस किस का पैसा मिलेगा, कौन से ईयर का बोनस मिलेगा और कौन से नहीं मिलेगा, तो आंसर इज कि उसको 2014 का नहीं मिलेगा, सिर्फ 2013 और 15 का उसको फुल बोनस मिलेगा जितना उसका बनता है, क्योंकि जो उसने लड़ाई की है, जो उसने वॉलेशन किया है, जो फ्रॉड उसने कुछ भी करा है, किसी भी तरीके का गलत काम किया है, इसलिए उसको डिसमिस किया गया है, तो उसको 13 का पैसा मिलेगा क्योंकि उसने उतना तो काम किया था। 14 में उसने लड़ाई कर ली और 15 में अभी उस पर केस चल ही रहा है, तो 15 का भी पैसा उसको पूरा का पूरा एज अ बोनस दिया जाएगा जितना उसका बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक एंड मदुरा लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ मदुरा एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसमें बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने पूरे साल भी काम नहीं किया है और एक पर्टिकुलर मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड तक उसने काम किया है तो उसको बोनस दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है? 30 दिन। अगर 30 दिन तक उसने काम किया है तो उसको बोनस दिया जाएगा। और उसके बाद मालबर टाइटल वर्क्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी ये बताया गया हमको कि 30 वेजेस रेट से जो वर्कर काम करते हैं उनको भी अब बोनस दोगे। टेम्पररी वर्कर्स को मिलेगा, पार्ट टाइम वर्कर्स को भी मिलेगा, और जो 30 वेज रेट सिस्टम से काम करते हैं उनको भी मिलेगा। इसके बाद आती है हमारी डेफिनेशन एम्प्लॉयर की, किसको हम मान लेंगे कि वो एम्प्लॉयर है वो और वो बोनस देगा। तो फैक्ट्री इंक्लूडिंग डेफिनेशन है ये, इंक्लूडिंग मतलब कि इसके अंदर और भी कुछ इंक्लूड किया जा सकता है अगर टाइम के साथ गवर्नमेंट को लगे तो। फैक्ट्री के अंदर जो ऑक्यूपायर है या ओनर है उसको मान लेंगे कि वो एम्प्लॉयर है। इन द एब्सेंस ऑफ देम अगर कोई एजेंट है ओनर या एम्प्लॉयर, ओनर या ऑक्यूपायर का, तो उसको मान लेंगे कि वो एम्प्लॉयर है। इन केस अगर जो हमारा ओनर या ऑक्यूपायर डिजीज हो जाता है, मर जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसको माना जाएगा पहले। अगर वो भी नहीं है तो मैनेजर ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट्री, क्यों? क्योंकि वो आपके सारे के सारे सैलरी आपको प्रोवाइड वो करता है, जो भी लड़ाई हो जाती है, अगर डिस्प्यूट हो जाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो सॉल्व करता है, आपको मोटिवेट वो करता है, आपको ट्रेनिंग वही देता है उस ब्रांच का मैनेजर। तो उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए वो जो मैनेजर वहाँ अपॉइंटेड है, इनके एब्सेंस ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर, वो मैनेजर ही वहाँ का एम्प्लॉयर बन जाएगा। और इन अदर एस्टैब्लिशमेंट, ये तो हो गई फैक्ट्री की बात, अगर इससे हटके कोई है तो वहाँ पर जो अल्टीमेट कंट्रोल जिसके पास होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा चलती होगी, उसके कहने पर ही सारे काम होते होंगे, तो वो वहाँ का एम्प्लॉयर कहलाया जाएगा। अब इसमें 3 तरह के पोर्शंस आ सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और मैनेजिंग एजेंट। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिस पर कंपनी ब्लाइंडली फेथ कर सकती है। उसके बाद आती है हमारी सैलरी और वेजेस की डेफिनेशन। तो ये क्या कहता है हमारा सेक्शन 220 क्लॉज 21 की, ऑल रेम्यूनेशन
सारा का सारा पैसा दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट किया गया है, एक्सेप्ट ओवर टाइम अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट किया जाता है, ओवर टाइम अलाउंसेस को सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। जब उसकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे जब ही तो उसको बोनस दिया जाएगा, तो वो कैलकुलेशन कैसी किए जाए, वो सैलरी का अमाउंट कैसे, क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या एक्सक्लूड होगा, उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो सैलरी इंक्लूड्स, बेसिक सैलरी इंक्लूड होती है, DNS अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं, और अगर कोई कैश वैल्यू दी हुई है तो वो भी इंक्लूड होती है इसके अंदर। एक्सक्लूड क्या होते हैं, पहला तो हमने देख लिया कि ओवर टाइम अलाउंसेस इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा है, जब वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा उसे दिया जाता है, तो वो सैलरी के अंदर नहीं आता, ठीक है। अदर अलाउंसेस अगर कि आपके बेनिफिट्स के लिए दिए हुए हैं आपके एम्प्लॉयर ने, तो वो भी नहीं आएंगे। वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, टैक्स के अंदर सैलरी वाले चैप्टर में आपने ये वर्ड देखा होगा, हाउस अकोमोडेशन। अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है रहने के लिए, फर्निश दिया हुआ है या अनफर्निश दिया हुआ है, फर्निश्ड मतलब कि उसमें सारी की सारी चीज़ें आपकी पहले से हैं, आपका बेड है, आपका फ़ैन है, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, मेडिकल है, तो ये सब चीज़ें अगर दी हुई हैं तो ये उसमें सैलरी के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो आपको दी जाती हैं। कंसेशन पर अगर आपको फ्रूट ग्रेन्स मिलते हैं, अगर मान लो कोई वर्कर राइस की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको या तो कम प्राइस पर अपनी कंपनी से ही या एस्टैब्लिशमेंट से ही वो राइस मिल जाते हैं, या उसको कुछ थोड़ा सा अमाउंट उस राइस का मिल जाता है, थोड़ा सा जो एम्प्लॉय है उसको दिवाली पे या कोई भी ओकेजनली थोड़ा सा राइस प्रोवाइड करा देता है, विदाउट एज अ प्रेजेंट, विदाउट मनी, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ट्रैवलिंग कंसेशन अगर दी हुई है, अगर कोई एम्प्लॉय बाहर गया हुआ है किसी काम से, आपकी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के काम से ही अगर वो बाहर गया है और आपने उसको पैसा दिया है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा सैलरी में, क्योंकि वो अपने लिए नहीं गया है, वो घूमने नहीं गया है, वो आपके काम से गया है। बोनस, एनी बोनस इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन और अटेंडेंस बोनस, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रिट्रीचमेंट कर दी अगर किसी एम्प्लॉय की, अगर उसको निकाल दिया, या ग्रेजुटी का पैसा दे दिया, या रिटायरमेंट का पैसा दे दिया, या रिट्रीचमेंट कंपनसेशन दे दी, तो वो जो पैसा आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आपकी सैलरी के अंदर काउंट नहीं होगा। एक्स ग्रेटिया, उसके यहाँ क्या मतलब है कि ग्रेजुटी या ट्रीटमेंट का ही पैसा, रिटायरमेंट का, सॉरी। उसके बाद अगर कमीशन दी हुई है किसी एम्प्लॉय को कोई काम करने की, तो वो पैसा भी इंक्लूड नहीं होगा। अगर उसको फूड अलाउंसेस दिए जाते हैं, खाने के लिए पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा सैलरी के अंदर नहीं आएगा। अलाउंसेस, परक्विजेस और सैलरी, ये अलग अलग होती हैं, आप टैक्स में पढ़ रखा होगा सैलरी वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद आता है हमारा एलोकेबल सरप्लस, जो बताता है हमें सेक्शन 2 क्लॉज 4। अब एलोकेबल सरप्लस का क्या मतलब है कि अगर आपकी कंपनी को, ये कहाँ कंपनी की बात हो रही है पर्टिकुलरली, अगर कंपनी को आपका प्रॉफिट हुआ है, तो वो कितना बोनस देगी, विच हैज़ नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एंड एक्ट फॉर द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट विद इन द इंडिया। अगर इंडिया में ही वो पैसा आपने कमाया है, तो आपको किस परसेंटेज के हिसाब से देना पड़ेगा वो पैसा, 67% फॉर द कंपनी एलोकेबल सरप्लस है, अकाउंटिंग ईयर में देना पड़ेगा आपको 67%, और इन अदर केसेस
जिसके अंदर फॉल नहीं करता इन अदर केसेस 60%, पहले का है 67% और अदर केसेस में 60%। अब इसका सेट ऑन और सेट ऑफ का एक टॉपिक आएगा आगे, बहुत अलग अलग करके टॉपिक्स दिए हुए हैं मॉड्यूल्स के अंदर।